डेल्टा इज टोटल, अब लास्ट में अपन ने लिखा था क्योंकि अपन फ्री एनर्जी से सिर्फ सिस्टम के बेसिस पे बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसलिए अपन डेल्टा जी की बात करते हैं कि डेल्टा जी से अपन वही बताएंगे। सो डेल्टा इज टोटल, अब ये डेल्टा इज तो सिस्टम है ही क्योंकि सिस्टम के लिए तो कैलकुलेट करना अपन को आता है अच्छे से। डेल्टा ऑफ सराउंडिंग को अपन लिख सकते हैं, वी नो दैट अगर डेल्टा इज ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा इज ऑफ सराउंडिंग नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा इज ऑफ सिस्टम नेगेटिव है तो सराउंडिंग पॉजिटिव होगा। तो अपन डेल्टा इज ऑफ सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस साइन है ये तो लिखा जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टी ऑफ सिस्टम, और इसको लिखेंगे अपन डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी, तो इसको डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग ही लिख रहने देते हैं। मतलब मैं डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग को क्या लिख सकता हूँ, अगर डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग पॉजिटिव में है तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं अपन, दिस शुड बी लेस देन जीरो, ये होना चाहिए है ना। लास्ट क्लास में ग्रेटर देन 0 दिखवाया था। हाँ सर, वही होता है, अभी लास्ट में जाके मैं खुद ही बोलता कि नहीं यार गलती हुई है तुमसे। तो डेल्टा इज टोटल ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अपन को ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही होगा। चलो टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर अपन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट माइनस टी डेल्टा इज टोटल मस्ट बी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा इज सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम दैट मस्ट बी लेस देन 0, फिर इसको भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 को। तो ये एक इक्वेशन है मेरे पास, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी डेल्टा इज टोटल, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मैं पहले यही लिख लेता हूँ, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम मस्ट बी लेस देन 0। अब ये एक इक्वेशन अपने पास है, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन अपने पास है। सो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, अब अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें विथ जिब्स इक्वेशन इक्वेशन दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इज जिब्स इक्वेशन, वी गेट डेल्टा जी जो है ना दैट विल बी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल, ये होता है डेल्टा जी अगर एंट्रोपी से कोरिलेट करें तो डेल्टा एस टोटल। अब अपन को एक बात अच्छे से पता है ना, अब एक बात अपन को अच्छे से पता है कि मैं इसको हटा देता हूँ ना, ये तो अपन को पता है ऑलरेडी, अपन को नीचे आपने फॉर्मूला लिखा उसमें डेल्टा एच छोटा है या वैसा ही है वो डेल्टा एच छोटा थोड़ी होगा, डेल्टा एच मतलब ये छोटा एच छोटा, अच्छा नीचे नीचे यहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस है टोटल, ओके सर, तो ये इक्वेशन टू है। तो ओनली लिमिटेशन इज, लिमिटेशन इज द ओनली लिमिटेशन इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, प्रेशर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट होना चाहिए भाई। इधर भी वही था भाई, डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं
और टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए बिकॉज हमने टी यूज किया, डेल्टा टी यूज नहीं किया, तो अपन लिखेंगे ये लिमिटेशन है। नाउ वी नो दैट इफ डेल्टा टोटल इज ग्रेटर देन जीरो देन डेल्टा जी विल बी लेस देन जीरो देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस is spontaneous. Then the process is spontaneous. If delta is total is less than zero, then delta G is greater than zero, then non-spontaneous process. मैं equation के basis पर बोल रहा हूँ, अगर ये वाला value positive होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो अपन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, क्योंकि अपन को पता है डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस, तो अपन फ्री एनर्जी से क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी एस टोटल जीरो है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है is equal to zero, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, then delta G is also equal to zero for a reversible process. अपने लिखा है फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा इज जीरो एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा इज लेस देन जीरो जनरली नहीं होता है, इसलिए अपन डेल्टा जी से पढ़ते हैं, क्योंकि डेल्टा जी तो अपन सभी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा इज टोटल जनरली नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा इज से अपन स्पॉन्टेनियस बताते हैं, तो अगर डेल्टा इज या तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, या तो भाई हमारे पास सॉलिड ऐसे ही रहेगा या तो ब्रेक होगा, अब सॉलिड है तो सॉलिड में थोड़ी कन्वर्ट करेंगे, भाई इसमें पैकिंग है ऑलरेडी, अब इसको और कम थोड़ी करेंगे अपन कि भाई और पैकिंग हो जाएगी, अपन टेम्परेचर कम, लेकिन आप टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहे हो, अब अगर आप चाहो आपकी भाई टेम्परेचर कम करके मैं और अच्छा पैकिंग करूंगा, वाइब्रेशनल एनर्जी भी पार्टिकल की खत्म कर दूंगा, हाँ तो फिर अपन लिखेंगे भाई वो तो अपन ने लिखा हुआ कि ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव, है ना, वो तो अपन ने लिखा हुआ हैज डेल्टा एफ जीरो, डेल्टा एफ जीरो इवन फॉर मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स, तो अपन ने लिखा हुआ है, तो ये अपन बता सकते हैं ये डेल्टा एस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, वो सारा पार्ट अपन डेल्टा जी से बता सकते हैं कि डेल्टा जी कब क्या होगा, ये अपन को पता है डेल्टा जी में अपन को कब क्या अस्यूम करना है, वो अपन को पता है, वो अपन को पता है, we get this. Got it? ठीक है, okay. Next we'll write है. अब अपन applications लिखेंगे इसके delta g के. Therefore we can say that delta g is equal to होता है minus t delta s total. And delta G is equal to the delta H minus T delta S. ये दोनों equation अपन याद रखेंगे. अब अपन next page पे चलेंगे, जहां अपन लिखेंगे applications of free energy. ठीक है, तो next page पे चलते हैं, तुम लोग लिख लो इसको और फिर मैं next page पे चलता हूँ.
सर बोलो। सर वो डेल्टा एच सराउंडिंग को आपने माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी आपने लिखा, वो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं पता है ना अपन को, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इजिकल टू होता है माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो लिख लो माइनस डेल्टा एस क्या होता है डेल्टा एच बाई टी, वही लिख दिया मैंने। सर मतलब वो जो सिस्टम में एंट्रोपी का जो चेंज होता है उसका नेगेटिव वो सराउंडिंग में होगा, वही ना सर? ऑब्वियसली यही पढ़ा अपने लास्ट क्लासेस में। ठीक हाँ ओके सर। है अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन पढ़ने के पहले अपन इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स इक्वेशन। मैं गिब्स इक्वेशन का सिग्निफिकेंस देख लेता हूं। तो मुझे मिला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मिल गया मुझे। डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच सिग्निफाइज द टोटल एनर्जी, सिग्निफाइज द टोटल एनर्जी एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम। इन ऑल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में होगा तो टोटल एनर्जी प्रेजेंट विद एनी सिस्टम इज डेल्टा एच। टी डेल्टा एच सिग्निफाइज द एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम विद सिस्टम इन डिसऑर्डर मैनर। Which cannot be used to do work, which cannot be used to do the work, वो एक तरीके से वेस्ट एनर्जी है। डेल्टा जी सिग्निफाइज द एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम विद द सिस्टम इन ऑर्डरली मैनर। प्रेजेंट विद द सिस्टम इन द ऑर्डरली मैनर। मतलब इट इज लाइक दैट, अगर अपन सिंपल वर्ड्स में देखें कि भाई अपन को मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो अपन ने किसी वाटरफॉल से ना 10,000 liters ऑफ वाटर को यहाँ फॉल करवाते हैं सो दैट कि कोई टर्बाइन रोटेट करे। वो टर्बाइन रोटेट करता है उसको फॉल करेगा, वाटर को रोटेट करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अभी कोई वाटरफॉल से जब वाटर ऐसे ड्रॉप करेगा तो सारा वाटर टर्बाइन को हिट करेगा जरूरी नहीं है, कुछ वाटर इधर उधर भी चला जाता है वाटरफॉल से। तो मान लेते हैं कि 1,000 liter ऐसा था जो रोटेट इधर उधर चला गया या जो टर्बाइन को हिट नहीं करता, क्योंकि टर्बाइन के फैंस होंगे, कुछ फैन को हिट करता है कुछ नहीं करता है, या कुछ कुछ छोटा छोटा ऐसे वाटरफॉल में इधर उधर चला जाता है, वो 1,000 liter है। तो ये 10,000 liter को सिग्निफाई करेगा, ये 1,000 liter को सिग्निफाई करेगा। तो वर्क डन तो भाई 9,000 नहीं किया, हमारे पास। और अपन एक और बात डेफिनेशन है, देर इज नो मशीन विच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर, वो थोड़ा तो लॉस्ट होता ही होता है, दैट इज थोड़ा तो लॉस्ट अप हो गई होगा। अगर 100% एनर्जी कन्वर्ट होता तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो है वो 100% नहीं हो जाता, 100% किसी मशीन का एफिशिएंसी नहीं होता, दैट इज। तो ये एक सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन का कि व्हाट डज इट सिग्निफाइज। दूसरा अपन लिख सकते हैं फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। वी यूज
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पूरा केमिस्ट्री है अपने आप में ये इक्वेशन फिजिबिलिटी के लिए कि कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं। जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा अपने आप होगा नेगेटिव है तो, और जो प्रोसेस में नहीं होगा पॉजिटिव है तो वो नहीं होगा, उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा फैक्टर्स। तो चलो देखते हैं अपन क्या करना है। अपन डिफरेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मान लो एक प्रोसेस इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑलवेज। सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, हमेशा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। भाई अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है कुछ भी हो नेगेटिव साइन में और इसका वैल्यू पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड करोगे तो नेगेटिव तो रहेगी। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। चलो ठीक है। अच्छा मेरे पास एक प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है बट डेल्टा एस भी नेगेटिव है, आप बताओ। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर डेल्टा जी है मेरे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, अब डेल्टा एच आप कह रहे हो नेगेटिव, चलो मान लिया माइनस टेन है मान लेते हैं ऐसे, और डेल्टा एस भी हो गया नेगेटिव, तो मेरे पास टी डेल्टा एस, डेल्टा एस भी आप नेगेटिव बता रहे हो। मान लो ये अपन ने कहा कि भाई मेरे पास डेल्टा एस माइनस टू है तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा, तो अगर माइनस माइनस होगा तो माइनस 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 हो जाएगा, वो पॉजिटिव बता रहे ना, पर क्या लिया अपन ने नेगेटिव लिया, तो दिस इन टू दिस है ना, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, अगर मान लो डेल्टा एस नेगेटिव है ये वाला पार्ट, ये माइनस होता है, मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया पहले, वही मैं सोच रहा ये माइनस है। तो अब मान ले अपन इसको अगर माइनस माइनस है तो प्लस बनाएंगे, तो अपन कहेंगे माइनस टेन प्लस टू ये। अब अपन कहेंगे ठीक है इसमें डेल्टा जी तो नेगेटिव आ रहा, लेकिन मान लो मैं इसका वैल्यू 15 कर दूं, तो अपन एग्जांपल लिख रहे हैं टेम्परेचर वगैरह केल्विन में लेंगे, 15 थोड़ी होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए कह रहे हैं अपन कि अगर मान लो इसका वैल्यू बड़ा हुआ तो ये टोटल वैल्यू तो माइनस टेन से बड़ी हो जाएगी पॉजिटिव में, तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर को लो रखो, अगर टेम्परेचर लो होगा इतना लो रखो कि वो ओवरऑल डेल्टा जी मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2t का मैग्नीट्यूड माइनस टेन से बड़ा ना हो पाए, मतलब 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव साइन है। तो अपन कहेंगे अगर टेम्परेचर ज्यादा ना हो पाए तो कम रखते हैं, तो अपन ऐसे लिख देते हैं देन प्रोसेस इज देन डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अगर स्पॉन्टेनियस होगा ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर पे होगा, ठीक है भाई। अगर मान लो मैं लिखता हूं डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, अब बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो अब एक प्रोसेस में कि मेरे पास डेल्टा एस पॉजिटिव है, चलो मान लिया कि पॉजिटिव है, अब मैं चाहता हूं ये नेगेटिव आ जाए क्योंकि स्पॉन्टेनियस तो तभी होगा, और डेल्टा एस आपने पॉजिटिव दे रखा है मतलब टी डेल्टा एस हो गया, तो अगर अपन चाहते हैं कि ये नेगेटिव आए तो ये वाला वैल्यू जो है ना डेल्टा एस आपने पॉजिटिव ले रखा है, ये वाला वैल्यू जो है ना वो इससे बड़ा होना चाहिए तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, और बड़ा कब होगा जब टेम्परेचर हाई होगा, तो अपन लिख सकते हैं तब डेल्टा जी इज नेगेटिव व्हेन टेम्परेचर इज हाई, है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। चलो डी की बात कर लेते हैं, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव देन, चलो देखते हैं आप कह रहे हो डेल्टा एच तो पॉजिटिव है ठीक है और डेल्टा एस नेगेटिव है,
तो मैं लिखूंगा माइनस टू कर देता है, तो ये 10 माइनस ये 10 प्लस 2 आ जाएगा भाई। इसमें तो डेल्टा जी, अब डेल्टा एच को पॉजिटिव तो ले नहीं है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें तो डेल्टा जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो आप टेम्परेचर कुछ भी रखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा जी तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। एंड प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, इन द प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जिस प्रोसेस में डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो लिखा हो और डेल्टा एच लेस देन जीरो लिखा हो, समझ लो वो कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता। और जिस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच नेगेटिव है तो अपन कहेंगे फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा स्पॉन्टेनिटी, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है तो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा स्पॉन्टेनिटी। ये प्रोसेस होते हैं आपके पास, ऐसे बता सकते हैं, तो अपन स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। अब दूसरा एक देखते हैं एप्लीकेशन है, नेक्स्ट पेज पे। दूसरे एप्लीकेशन में अपन लिखते हैं वर्क डन एंड फ्री एनर्जी। चलो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन लिखेंगे थर्ड, फ्री एनर्जी एंड वर्क डन। एंड वर्क सो वर्क डन बाय एनी प्रोसेस is always equal to decrease in free energy. तो मुझे अगर work done calculate करना है तो मुझे minus delta G लेना होता है, so work done will be equal to decrease in free energy. और अगर maximum work done लिखा हुआ है ना, then it will be a reversible process. अपन को पता होता है work done जो होता है maximum work done is equal to delta G not लिखूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है, फिर नॉट लगा होता है तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। सो आई कैन राइट दैट वर्क डन का तो फॉर्मूला अपन को पता है। अगर पीवी वर्क डन की बात करोगे तो ऐसे लिख दूंगा प्रेशर वॉल्यूम। वर्क डन क्या होता है, पीवी एक्सपेंशन करोगे तो ऐसे लिख दूंगा, और अपन को मोस्टली एक्सपेंशन वर्क डन ही लिखना होता है। इसमें अगर प्रेशर गिवन होगा तो P1 अपन P2 लिख लेंगे, वॉल्यूम गिवन है तो V2 अपन V1 होता है। P1 by P2 कर सकते हैं। मैं इसको इसके साथ भी इक्वेट कर सकता हूं, ऑलरेडी डेल्टा जी पर मोल होता है ये अपन को पता है ऑलरेडी। ऑलरेडी पता है, लेकिन इस चैप्टर में ना प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होगा तो वी कैन कैलकुलेट दिस। इफ द वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस ना, तो अपन डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और ये नॉट लगा हुआ है ना, इसकी वजह से अपन को टेम्परेचर पता है कितना होता है, 298 होता है केल्विन। को स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना होता है ना, फिर अपन नॉट लगाएंगे तो अपन को पता है जब नॉट लगाओगे ना ये वैल्यू हमेशा 298 केल्विन होगा, देने की जरूरत नहीं है।
ये अलग हो सकता है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर थोड़ी है, तो ऐसे अपन फ्री एनर्जी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फ्री एनर्जी में अपन कपलिंग ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कपलिंग ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन। समटाइम्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन becomes spontaneous when they are coupled with spontaneous reactions. Example ले लेना अपन, production of ferric oxide of Fe2O3। देख अगर अपन Fe2O3 को, अपने पास Fe2O3 है, इससे डिकम्पोज करके अपन ट्वाइस ऑफ Fe बनाते हैं, एस 3/2 O2 बनाते हैं, तो इसको डिकम्पोज करेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक होगा तो इसमें डेल्टा जी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस 1500 किलो जूल्स के आसपास आता है। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CO प्लस हाफ O2, इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू CO2। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा जी गिवन होता है, इसको वन कर देता है, इसको टू कर देता है, दैट इज इक्वल टू होता है 550, इतना ही वैल्यूज होता है इनका माइनस किलो जूल पर। अब अपन से कहा गया कि अगर मान लो मैं इन दोनों रिएक्शन को कपल्ड कर दूं, कपल्ड करना मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ रिएक्शन, वैसे अपन को इंग्लिश मीनिंग पता है, कपलिंग मींस व्हाट इज दैट कपलिंग, दोनों को जोड़ देना। तो अपन यहां क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो मुझे ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, लेकिन इसमें ना कैंसिलेशन, मुझे एफ ही चाहिए, तो मैं O2 को कैंसिल करूंगा। कैसे, क्योंकि O2 इधर भी है, O2 इधर भी है। मैं क्या करता हूं, इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंक्लूडिंग दिस, तो मुझे जो रिएक्शन मिलेगा ना वो होगा Fe2O3 3CO2 3CO प्लस 3/2 O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3/2 O2 प्लस 3CO2। और डेल्टा जी में अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो ओवरऑल डेल्टा जी आएगा ना वो नेगेटिव है। ओवरऑल डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस 3 ऑफ डेल्टा जी 2। तो ठीक है, ये अपन को 1500 गिवन है, दिस इज 3 × 515, ये नेगेटिव में है, 515 तो है लेकिन माइनस में है, से माइनस 515, तो व्हाट आई गॉट इज माइनस 45 किलोवोल्ट्स, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 3 इसलिए किया था, तो अपने पास दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ वी एड लाइक दिस। इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस। तो पहले नहीं था ये स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जब अपन ने इसके साथ इसको कपल्ड किया, इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर रहे थे ना हीट करके, तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन अपन उसी रिएक्शन को सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड से कपल्ड किया, अपन इसको ऐड करके और कंबशन कर दिया, हीट कर दिया,
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर अपने आप चलता रहेगा ये रिएक्शन अपने आप, इसलिए क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है. दिस इज नॉट कपलिंग ऑफ रिएक्शन. एक और एग्जांपल लिखेंगे. नेक्स्ट पेज पे चलता है. हाँ हाँ एक्चुअली किसी ने डन लिखा तो मुझे लगा हो गया. हो गया ना, अब तो हो गया होगा. अरे एक सेकंड, ठीक है. जल्दी करो. अरे भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है. डन बहुत टाइम लगा यार. चलो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं. फोर्थ था फिफ्थ था, फिफ्थ पॉइंट है. तो कैलकुलेट द टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी. एक एग्जांपल ले लेते हैं. विल द रिडक्शन ऑफ मैम जियो with carbon is spontaneous process. At 1000 Kelvin. If not, then calculate the temperature. At which the process will be spontaneous. Given delta H is equal to 12 kilojoules and delta S will be equal to, suppose kar lete hain, that is 300 joules. ठीक है, ऑलराइट 30 जूल्स ऐसे गिवन है अपन को. और रिएक्शन गिवन है अपन को MgO प्लस कार्बन इज इन इक्विलिब्रियम विद Mg प्लस C. अपन कैलकुलेट करेंगे आंसर फॉर स्पॉन्टेनिटी. डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. मेरे पास डेल्टा एच गिवन था 1200 किलो जूल्स, तो 12000 है मेरे पास जूल्स में, क्योंकि ये भी जूल्स में. ये हो गया 30 × 1000 केल्विन. तो अपन लिखेंगे भाई ये 12000 है
-30,000 है, तो ये तो आया अपने पास -18,000 और -18 kilojoules. डेल्टा जी इज नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इज स्पॉन्टेनियस है ना, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये हो गया, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया ऐसे भाई, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा ये अपन को पता चल गया है ना, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉट ये पता चल गया अपन, तो ठीक है वी गॉट दैट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि एग्जांपल वन आ गया ये अपने पास, अब एग्जांपल टू ले लेते हैं. द प्रोसेस इज कैरिड आउट है ना ए टू बी, मैं ऐसे रिएक्शन भी लिख सकता हूं, अब किसी और का ऑक्सीडेशन लिख लो या कोई भी प्रोसेस लिख लो आपकी मर्जी. प्रोसेस दिस गिव इज कैरिड आउट एट 300 Kelvin, दैट इज 500 Kelvin. डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस इज सपोज अपन को गिवन है 120 kilojoules एंड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन सपोज अपन को गिवन है दैट इज 80 joules, वो अपन को गिवन है 80 joules, ये पर मोल होता है और ये 80 जूल्स पर केल्विन होता है यूनिट में. इफ द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस देन कैलकुलेट द टेम्परेचर. देन कैलकुलेट द टेम्परेचर at which it will be spontaneous. Sir, delta S kitna hai? Delta S is 80 joules per mole. 80 joules per mole. It is spontaneous. Jis pe wo spontaneous hai. Apan pehle to likhte hai, bhai delta G calculate kar lete hai. Spontaneous ke liye. Delta G is equal to hota delta H minus T delta S. डेल्टा एच अपन को गिवन है 120 किलोजूल, मतलब 120 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 3 माइनस टी अपन को गिवन है 500 और डेल्टा एच गिवन है 80. ये आया अपने पास 120 इनटू 10 की पावर 3 माइनस आया 540 ना, इतना आया मेरे पास. तो मेरे पास ये आया दैट इज 40 माइनस करेंगे अपन तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ रहा है. क्या पूछना है भैया तुम लोग, 1500 केल्विन कहां से आ गया, पता नहीं कहां से 1500 केल्विन देख लिया. डेल्टा जी इज पॉजिटिव. अब अपन क्या करते हैं कि देख भाई क्वेश्चन में अपन को डेल्टा एच गिवन है, तो लेट अस टेक कि भाई अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये तो फिक्स है 80 जूल्स, ये भी जूल्स, तो ये दोनों बराबर होंगे तो डेल्टा जी जीरो होगा. इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो देन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. सो डेल्टा एस इधर अपन टी देख सकते हैं, टी विल बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे अपन, दैट इज डेल्टा एच अपन डेल्टा एस. ये वो टेम्परेचर है जिस पर डेल्टा जी जीरो है. तो अगर मतलब ये दोनों बराबर हैं तो अपन कुछ ऐसे करते हैं ना कि टी को बढ़ा देते, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस पर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा.
ये वाला टेम्परेचर। तो अगर मैं इससे ज्यादा टेम्परेचर ले लूं तो फिर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर आई विल राइट दैट टी ग्रेटर देन जीरो विल शो डेल्टा जी लेस देन जीरो। हो गया अपना काम, अपन टी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एच अपन को गिवन था 120 इंटू 10^3 और टी डेल्टा एस अपन को गिवन था, डेल्टा एस कितना था 80। लो भाई ये केल्विन आ रहा है जिसपे ये इक्विलिब्रियम में होगा। एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन दिस अपॉन 80 तो जीरो तो कैंसिल, 8 भी है ना, इसको भी कैंसिल कर दो। हाँ वो कैंसिल कर देते हैं ना अपन, उसको भी कैंसिल कर देते हैं। इसको अपन लिखते हैं 12 4 से ना 3 और 4 और 2 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 को 15 कर लेते हैं 1500। एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन then this will show delta g negative for a spontaneous process. So delta g negative होगा और process अपना spontaneous होगा, but temperature इतना होना चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करना चाहो सॉल्व करो, मुझे तो बस ये नेगेटिव चाहिए था अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करना है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा था तो मैंने एक डाटा ले लिया जिससे नेगेटिव आए, खत्म बात। मुझे जो बताना था वो आपने बता दिया। ये दो एग्जांपल्स है अपने, काफी सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस होते हैं फ्री एनर्जी से जो भी रिलेटेड होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फ्री एनर्जी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अपन को ऑलरेडी पता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना होता है। नॉट ओनली फॉर डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, सभी के लिए वही तो लिखते हैं फ्री एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हो जाए तो बता देना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्री एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शंस। इफ द फ्री एनर्जी ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गिवन and product is given. Is given. So delta G is equal to hota hai summation of delta G for the reaction. Hai. Delta G of the reactant, delta G of the delta G of the reaction. So summation of delta G माइनस समेशन ऑफ द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये अपने क्वेश्चन में गिवन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं।
कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन. इफ इन अ रिएक्शन, इफ फॉर रिएक्शन N2+3H2 gives you twice of H3. The delta G of N2 is given to us. Delta G of N2 is X kilojoule per mole of H2, Y kilojoule per mole, and delta G naught of ammonia is equal to Z kilojoule per mole. So, answer likhte hain. Hame to pata hi tha ki bhai for this reaction na, delta G of the reaction will be equal to summation of the product, matlab 2 into delta G naught of ammonia. Minus delta G naught of N2 plus 3 into delta G naught of H2. Lo bhai, ye apan ko given hai 2Z. Minus N2 is X. So we'll get X plus 3Y. Lo bhai, aise bata. Right? So we'll write like this. पहले अपन को प्रोडक्ट लिखना होता है, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अपन ने समेशन का मतलब है पर मोल, अपन को गिव्स नहीं वैल्यूज पर मोल. तो अगर H2 के पर मोल y है तो 3 मोल्स के लिए 3 × y कर लेंगे तो 3y हो जाएगा. यू गेट लाइक दिस. अब ये तो अपन को डेल्टा एच के लिए भी अपन को भी पता है, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चाहे वो डेल्टा एस हो, डेल्टा एच हो, किसी के लिए भी हो, ये तो अपन को ऑलरेडी पता है. अगर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन लिखना है तो भी समेशन ऑफ द डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना होता है. डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन लिखना है तो भी यही लिखना होता है. आपको रिएक्टेंट फिर डेल्टा एस गिवन होगा अपन को सभी के लिए. डेल्टा इवन अगर इंटरनल एनर्जी भी गिवन है तो भी अपन को लिखना होता है. अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी भी गिवन है तो भी अपन को ऐसे लिखना. This is about the free energy. The summation delta E reactant आएगा ना? ये वाला delta E. अब आपका और sir second में delta S product आना चाहिए. एक मिनट रुक जा. Delta S of product ना? Minus delta S of reactant. ये E है, ये है, ये है, अच्छा अच्छा हाँ सब ठीक है. आप एक्सरसाइज 1 ऑफ सेकंड लॉ भी कर सकते हो. आप पूरा कर सकते हैं.
एक्सरसाइज वन का पार्ट टू, पार्ट वन पार्ट टू जीओसी आई थिंक मैंने कंप्लीट दिया था आपको हम लोग ने। यस सर। ये आपका फ्री एनर्जी है, अब इसके बाद अपन को थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है थोड़ा सा, वो एक क्लास का काम है, एक क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, जितना अपन ने पढ़ा अभी इतने ही टाइम में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम भी अपन होमवर्क कर सकते हैं, फिर आज वो खत्म कर लीजिए ना यार, फिर मतलब होमवर्क रह जाएगा, तो मुझे लगता है होमवर्क अगर उसमें कुछ पार्ट रह गया नहीं हुआ खत्म तो अपने पास पूरा 2 आवर्स होगा ना, तो मॉर्निंग में पढ़ लेंगे अपन संडे को, मॉर्निंग में पहले पढ़ेंगे बाद में अपन मतलब डाउट्स करेंगे है ना, तो फिर इवनिंग में बोल रहे थे कि आप लॉगरिथम का भी बताएंगे, बताऊंगा ना तो अभी आइनिक पढ़ाने दो ना फिर बताऊंगा लॉगरिथम में क्या करना होता है ना, तो बिल्कुल बताऊंगा। अभी तुम लोग अपने आप कर लो जो भी है वो लॉग टेबल वगैरह से कर लो आप है ना, फिर मैं बता दूंगा। लॉग टेबल कभी यूज नहीं करना पड़ेगा फिर, चाहे लॉग निकालना है एंटी लॉग निकालना है। चलो जीओसी निकालो डाउट्स के लिए। हाँ अभी जी तुम ही लोगों ने तो कहा होमवर्क डिस्कस करना है, तभी तो मैंने कहा कि भाई होमवर्क डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा फ्री एनर्जी कंप्लीट करते हैं ताकि सेकेंड लॉ में पूरा होमवर्क में दे सकता हूँ। तो एक्सरसाइज 2 में क्या होमवर्क दिया था आप मुझे बता दो तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का होमवर्क होगा जीओसी का, ठीक है चलो नेक्स्ट पेज में आप मुझे होमवर्क बता दो, पार्ट वन के क्वेश्चंस दे दो, मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में 4, 10, 12, 24, 25 इसके अलावा किसी और का होमवर्क है तो बताओ। 10 और 14 ठीक है, 1 भी ले लिया। ट्वेल्व 17, 18 चलो 6 3 और 2 भाई म्यूट करो, अगर मतलब वैसे करना है तो बात मतलब वैसे मत करो। चलो शुरू करता हूँ, मेरे ख्याल से और क्या क्या ज्यादा होगा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं अपन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को गिवन है द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो नहीं हो सकता उसकी बात कर रहा है, ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो अपन कहेंगे देख भाई आंसर इज सी, ऑक्टेट ऑफ एन इज एक्सपेंड, एक्सीड हो गया है। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता जिसमें किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपांड हो जाए। थर्ड वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो स्टेबिलिटी चेक कर लो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड वाला। वो क्यों, क्योंकि 1 और 3 ऑक्टेट्स आर कंप्लीट,
सो मोर स्टेबल स्टेबल देन टू। और वन और थ्री में ऑक्टेट देख लो पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसलिए थ्री वाला ज्यादा स्टेबल है। ओके ये स्टेबिलिटी दिखा मैंने ताकि अपन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता पाए। सर थ्री के ए वाले में जो फर्स्ट वाला है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे है? किसमें सर थ्री के फर्स्ट वाले ऐसे लिखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? ऐसे लिखोगे तो ऑक्टेट कम है पर उसमें तो OH है ना बस। अरे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो तुम क्या कहोगे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट है सर। तो अंडरस्टूड है ना, मैंने कहा भी था भैया पहले आप लोन पेयर बना लिया, पहला काम किया करो लोन पेयर बनाने वाला। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी अगर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी उसको उल्टा है। अब लिखा तो है फोर की बात कर रहा था, फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देख भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया आपको। स्टेबिलिटी ऑफ I negative is greater than Br negative is greater than Cl negative is greater than F negative. But F negative का stability ज्यादा होता है OH negative से। The reason is अगर if the atoms are of same group then negative charge is more stable on more electronegative atom, but in atoms of different group the negative charge on atom of higher group is more stable due to its less strength. आई पे नेगेटिव चार्ज इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज होगा, तो एक नेगेटिव चार्ज बहुत बड़े साइज पे अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज कम्पेयर टू छोटे साइज पे होगा। तो इस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया बहुत कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये किसी प्रोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा या किसी कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। एच आई ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है एच सी एल से क्योंकि I नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है Cl नेगेटिव से। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन। तो बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है छोटे एटम के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब चेक करते हैं जब एटम सेम ग्रुप से सेम पीरियड से हो, नॉट ग्रुप। एटम्स ऑफ ये एटम्स when the atoms are of same group the negative charge is most stable on are same period likhna chahiye tha mujhe electronegativity apan to check karenge ye hai
सो व्हेन द एटम्स आर ऑफ सेम पीरियड देन द नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये लिखा मैंने, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे. बट इफ द एटम आर ऑफ डिफरेंट पीरियड पीरियड नॉट ग्रुप, हमको पीरियड चाहिए, then the negative charge will be more stable on the atom of higher period is more stable due to its less strength. मतलब negative charge की less strength और distribute ज्यादा हो जाएगा. So अगर मेरे पास given है कि भाई मेरे पास OH नेगेटिव है और मेरे पास SH नेगेटिव है, तो SH नेगेटिव पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो बड़ा साइज है OH के कंपैरिजन में. हो गया अपना काम. वहां जो एनायन बने हुए हैं ना, उसमें आपने सल्फर भी यूज किया है. तो फर्स्ट वाले में NH है, कार्बन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है और सल्फर नेगेटिव है. सल्फर पे तो ज्यादा स्टेबल होगा. दूसरे वाले में NH नेगेटिव है, C है, डबल बॉन्ड O है और सल्फर नेगेटिव है. अब इन दोनों में अगर कंपेयर करूंगा तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला सेकंड वाले से, क्योंकि सल्फर में नेगेटिव चार्ज तो दोनों पे है, लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर करूंगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, सल्फर पे तो दोनों में. थर्ड वाले को चेक करूंगा अगर, तो थर्ड वाले में तो सल्फर पे है ही नहीं, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर पे है ही नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी तो लीस्ट हो जाएगी. इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो गई तो अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही चेक करना पड़ेगा. तो इन पे ज्यादा स्टेबल है ये वाला नेगेटिव चार्ज इन दोनों के कंपेरिजन में. तो सल्फर पे होता तो ज्यादा स्टेबल होता, तो थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल है. ये लो, कौन सा चार्ज किसके पास हो, दोनों नेगेटिव चार्ज पास हैं. अरे भाई डिलोकलाइजेशन में है, पास तो तब चेक करते हैं ना, पास में है या दूर है, जब वो डिलोकलाइज नहीं होंगे. यहां तो डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, सभी पे डेल्टा नेगेटिव होगा. पास और दूर तो तब चेक करेंगे ना जब उनमें डिलोकलाइजेशन ना हो, तो डिलोकलाइजेशन होते रहेंगे ना. जितना पास ये दोनों है उतना ही पास ये दोनों भी है, और उतना ही पास ऑलमोस्ट ये दोनों भी है. सो पास और दूर से नहीं होगा. सबसे ज्यादा स्टेबल वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा. सिक्स्थ वाला, Which of the following is incorrect about the stability order? पहले वाले में negative charge oxygen पे है और negative charge delocalization में है. देख भाई, इधर CH3 है, इधर CH है, O negative है, और इधर CH2 double bond CH2 है. ये बीच में sp3 आया, तो there is no resonance phenomenon इधर. और वो कह रहा है कि ये वाला ज्यादा stable है इससे, जबकि इसमें resonance phenomenon है. ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अब तो ये वाला इज रॉन्ग, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, इसमें कंजुगेशन है, इसमें नो कंजुगेशन है ही नहीं, नो रेजोनेंस, तो स्टेबिलिटी तो कम होगी. सो रॉन्ग हो गया, बाकी आप चेक कर सकते. बी वाले में तो करेक्ट है ही, इसमें तो डिलोकलाइजेशन है ही नहीं, इसमें तो कम से कम रेजोनेंस फेनोमेना तो है. ऐसे अपन सभी में चेक कर सकते हैं, तो वो करेक्ट, ये वाला गलत है तो बाकी सब करेक्ट होंगे. सिक्स के बाद मैं टेंथ पे जाता हूं, 10, 12, 13, 14.
पैंतीस बात टेंथ वाले में विल राइट दैट। देख भाई अपने पास नेप्थलीन गिवन है, अब ये वाला डबल बॉन्ड या तो इस रिंग में हो सकता है या फिर इस वाले रिंग में हो सकता है। ये रिंग में अगर अज्यूम कर लेते हैं अपन तो ये रिंग एरोमेटिक है, इसके दोनों डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में तो है लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है। तो मैं इसको इस तरह अज्यूम करूं तो हाँ तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, ये दोनों कंजुगेशन में है लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं होगा। हकल रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन रिंग। तो अगर ये दोनों एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है तो इनका बॉन्ड लेंथ इस वाले बॉन्ड लेंथ से अलग होगा, फिर सारे बॉन्डिंग लेंथ इक्वल नहीं होंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल बिकॉज ओनली वन ऑफ द बेंजीन सिस्टम इज एरोमेटिक स्टेबल। एक ही बेंजीन सिस्टम एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा तो फिर कैसे बताएं? कुछ नहीं, इसमें नंबरिंग दे रखा है अपन तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे, वैसे इसका नंबरिंग ऐसे ही होता है, या तो ये बॉन्ड या फिर ये बॉन्ड, दोनों में से कोई एक बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, वैसे ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ, क्योंकि या तो ये वाला एरोमेटिक हो सकता है या ये वाला एरोमेटिक हो सकता है, सारे एरोमेटिक नहीं हो सकते। तो मैं ऐसे याद रख लेता हूं, सबसे बड़ा ये वाला होता है बॉन्ड लेंथ, या ऐसे इस तरफ लगा लेते हैं, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला सबसे बड़ा होगा 8, 9 वाला, उसके बाद 7, 8 वाला होगा, उसके बाद 9, 10 वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं तो बस याद रखने के लिए। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, वो एक स्टार टाइप का बना लिया मैंने ताकि मुझे याद रहे। 8, 9 जो है ना वो बड़ा होगा कार्बन 6, 7 से, बड़ा होगा कार्बन नंबर 9, 10 से, और वो बड़ा होगा कार्बन नंबर 7, 8 से। 7, 8 वाला सबसे छोटा होगा, मतलब इधर वाला जो डबल बॉन्ड है वो सबसे छोटा है जो एरोमेटिक रिंग में। तो इसमें सारे डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग बॉन्ड लेंथ के होते हैं, सारे इक्वल नहीं होते। तो किसी भी रिंग में ना अगर अपने पास ऐसे रिंग है वो नेप्थलीन था या एंथ्रासीन होता है, इसके भी सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं बताऊंगा। क्यों? एरोमेटिक स्टेबलाइज तो ये है पूरा मॉलिक्यूल, किसी भी पार्ट में अगर एरोमेटिसिटी है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक स्टेबलाइज है, लेकिन सारे बॉन्ड एरोमेटिक स्टेबलाइज होंगे ये जरूरी नहीं है। वी गॉट दैट है। तो अपन क्या करेंगे अब उसमें, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ, उसमें अगर अपन चेक करेंगे तो 8, 9 जितना होगा ना, अरे यार 8, 9 मतलब ये वाला है कार्बन 8, 9 विल बी इक्वल टू कार्बन 5, 10 विल बी इक्वल टू कार्बन 1, 9 विल बी इक्वल टू कार्बन 4, 10 ये सब इक्वल होंगे। ऐसे ही कार्बन 6, 7 6, 7 मतलब ये वाला कार्बन 6, 7 इक्वल टू कार्बन 2, 3 फिर अपन लिखेंगे कार्बन 7, 8, 7 या 7, 8 इधर 9, 10 लिखा था अपन 9, 10 भी लिख सकते हैं
कार्बन 7-8 इज इक्वल टू कार्बन 1-2 इज इक्वल टू कार्बन 5-6 इज इक्वल टू कार्बन 3-4 ऐसे जैसे 7-8 है वैसे 1-2 भी होगा, 9-10 है वही था बचा हुआ था तो वैसे ही। बोलो कोई डाउट है तो। सर नैप्थलीन में नंबरिंग कैसे होती है? लिखा तो है नंबरिंग, इसमें से किसी भी कार्बन से नंबरिंग हो गई, जैसे लिखा हुआ है वो करेक्ट नंबरिंग ही लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12th वाले में we are given that in case of sigma bond pair and pi bond pair the electrons both are attracted in the same direction. मेरे ख्याल से ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है अपन से, मतलब माइनस एम एंड माइनस आई हो या फिर प्लस एम एंड प्लस है तो वो हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन अपन को पता है भाई, सी एच टू है, डबल बॉन्ड है, सी एच है और सी एल है, इसमें तो प्लस एम होगा, इसका लोन पेयर और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, ये तो प्लस एम शो कर रहा है लेकिन इसमें माइनस आई है तो अलग अलग हो गया डायरेक्शन। माइनस आई का मतलब हो गया कि इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया और एम का डायरेक्शन ऐसे हो गया, अलग डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर को ट्रांसफर होंगे। दूसरा देखते हैं बी वाले में, बी वाले में भी वी आर गिवन, इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं, इसमें तो इधर आई इफेक्ट है, एम तो है ही नहीं, ओनली आई ओनली माइनस है और अपन को दोनों चाहिए क्योंकि इसमें आई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है। सी की बात कर लेते हैं, सी वाले में वी आर गिवन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच डबल बॉन्ड ओ, तो इधर की बात करें तो ये ग्रुप तो माइनस आई तो इधर को होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब इसमें माइनस एम ये हो गया, ये करेक्ट हो गया क्योंकि इसके एक ही डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो डी वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। 13th की बात कर लेते हैं, 13 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है, देखते हैं अपन को ये एंथ्रासीन गिवन है अपन को, लो भाई एक तो ये गिवन है अपन को, ये अपन को ऐसे गिवन है, अब अपन को आपस में उनमें चेक करना है ऐसे गिवन है, ये 2 है ये 3 है, 3 वाले में वी आर गिवन लाइक दिस, है ना 3 वाले में एक इधर गिवन है, एक इधर गिवन है, एक इधर गिवन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 3 वाला, ये 4 वाला, 4 वाला अपन को गिवन है ऐसे, कट 3 रिंग गिवन है अपन, तीन रिंग्स अपन को ऐसे गिवन है, ये अपन का गिवन है, ये 4th वाला। अब अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें सिर्फ ये रिंग एरोमेटिक है, इसमें डबल बॉन्ड इधर होने की वजह से ये रिंग को भी एरोमेटिक बोल सकता हूं और इसको भी एरोमेटिक बोल सकता हूं, अगर ये बॉन्ड इधर कंसिडर करूंगा तो ये रिंग एरोमेटिक रहेगा, इसमें वो बॉन्ड इधर कंसिडर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें मैं इसको भी एरोमेटिक बोल सकता हूँ और अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे तो इसको भी एरोमेटिक बोल सकता हूँ, इसमें सिर्फ इसको एरोमेटिक बोल सकता हूँ, इन दोनों में थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा क्योंकि दो रिंग को मैं एरोमेटिक बोल सकता हूँ, इसमें एक को ही बोल सकते हो आप बस, तो इधर को देख के अपन ये तो बता ही सकते हैं कि 1 का स्टेबिलिटी 4 के बराबर है और 2 का स्टेबिलिटी 3 के बराबर, बट ये दोनों ज्यादा स्टेबल है इससे, तो 3 इज मोर स्टेबल, 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, हाँ तो बस यही बन जाएगा, बस
वो तो इक्वल ही है ना, इक्वल है, इक्वलिटी है उनमें तो, भाई अपन और कुछ अज्यूम कर ही नहीं सकते, ये बच जाएगा। तो 14 वाले को चेक कर लेते हैं। फोर्टीन वाले में कंपाउंड गिवन है अपन का, मैं बना लेता हूँ। इसमें आपने मुझे CH3 दे रखा है, इधर इधर नाइट्रोजन दे रखा है, और इस पर दोनों CH3 दे रखा है, और इधर अपन को CH3 दे रखा है, इधर लेकिन नाइट्रोजन दे रखा है, और इधर डबल बॉन्ड भी, और इधर अपन ने ऐसे नाइट्रोजन और इधर दे रखा है, और इधर भी डबल बॉन्ड है, और ये लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। यहां पर अपन को सी ट्रिपल बॉन्ड एन दे रखा है आपने। अब यहां पर अच्छा बंजीन जैसे भी दे रखा है अपन को, ये और ये वाला डबल बॉन्ड इधर बना हुआ है, ठीक है। अब अपने पास नाइट्रोजन को कुछ उन्होंने नंबर किया हुआ है, ये वाला W नाइट्रोजन है, ये वाला Z है नाइट्रोजन, तो अपन को बताना क्या है, द कार्बन नाइट्रोजन लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा उसने, द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ इज, हाँ तो कार्बन नाइट्रोजन का अगर लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ बताना है तो ठीक है, ये तो भूल ही जाएंगे अपन, लॉन्गेस्ट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ बता रहा है वो, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, और इधर अपन को क्या गिवन है, दैट इज ये वाला जेड है, W उधर लिखने के बजाय अपन को यहाँ लिखना चाहिए, ये W है, ये Z है, इधर वाला जो है ना ये U है, ये वाला Y है, और ये वाला X है, ठीक है। अब देख ये तो भूल ही जाओ, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये तो कभी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा भाई, ये तो इस डबल बॉन्ड के साथ कभी कॉन्जुगेशन में जाता ही नहीं ना, वो तो अपने पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए ऐसे किया मैंने। सर वो W आपने वहां पे क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है अपन से बॉन्ड लेंथ, तो कहां लिखूंगा W, है ना? अच्छा ये वाला W उन्होंने इधर बनाया, yes, तो इधर की तरफ बनाया, तो अपन ना नाइट्रोजन पे इधर डबल बॉन्ड है अपने पास, अच्छा लिख दिया मैंने, इधर लिख देता हूँ, तब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, W वाला ही हो गया। अच्छा तो तब होता तो W यहाँ लिखते, तब मजा आता, तो W वाला हो गया, टिक कर दिया, क्योंकि वो तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना। सर अगर उधर होता तो क्या क्या होता उस पे? अब बाकी छोड़ देते हैं, है ना, बाकी अपन छोड़ देते हैं वो, इसलिए ना कि डिस्कशन जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा अपन को टाइम लगेगा, और अपना फिर अब अपन ने काफी टाइम लगा भी चुके हैं, तुम खुद कैलकुलेट करके देखो एक बार, ओके सर, है ना, क्योंकि फिर अपन को टाइम लगेगा, अपन बस यही करते रहेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे, अपन को डाउट सब बहुत ज्यादा हो जाएंगे अपने। ये वाला लाइन गया, सिक्स भी गया, 14 हो गया, 17, 18, 15 भी बताना है, अच्छा ठीक है 15 भी बताता हूँ, 15 है, 15, 17, 18, 24, 25, 15, 17, 18, 24, 25, ठीक है। अपन 15 वाला देख लेते हैं, देख 15 वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखा हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, ऑफ एल्कीन। अब चेक कर लेते हैं भाई, ए ऑप्शन में क्या है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। देखो अपन क्या करेंगे, देख भाई सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेता हूं, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, स्टेबिलिटी फर्स्ट का ज्यादा है बिकॉज ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ,
बाकी किसी में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है रिंग के साथ, और रिंग के साथ कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया ये तीन बॉन्ड और इसका जो बॉन्ड था ना वो कॉन्जुगेशन में है ये वाला बॉन्ड। तो अगर ये कॉन्जुगेशन में होगा ना इसके साथ तो इसमें तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस फिनोमेना हो जाएगा, चार बॉन्ड का रेजोनेंस होगा इसके साथ, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो अगर बाकी किसी में नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर लूंगा, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी सब में हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करता हूं। तो सेकंड वाले में मुझे लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3+3+2 8 1 9 9 अल्फा है स्टेबिलिटी। और उसके बाद मैं चेक करूंगा तो 3 और 1 में 1 में तो 2 ही अल्फा है और 3 में 3 अल्फा है, फोर्थ वाले में तो 1 2 ही अल्फा है। लो भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा होगा उसका, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा उतना ज्यादा इसको ब्रेक करने में एनर्जी यूज होगी, उतना कम एनर्जी लिबरेट होगा। अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया उसमें पूरा कंसेप्ट वगैरह सब लिखा हुआ। अब स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड अभी तो बताया मैंने, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो बता रहा हूं 17th वाला, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे कैलकुलेट करेंगे आंसर बता देता हूं। 17th वाले में सब में अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक कर लो, 1 और 3 में प्रॉब्लम आएगा, तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जब अपन ने 1 वाले को सिस बनाया ट्रांस बनाया, और लास्ट एग्जांपल देखना क्लास में पूरा एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है, मतलब वहां पर पूरा ये एक पेज भर के रीजन लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 हो जाएगा, उसमें 12 अल्फा है 2 वाले में और 12 अल्फा है, उसके बाद 3 वाले, उसके बाद 4 वाला उसमें 9 अल्फा है, उसके बाद 1 और 3 में 3 ज्यादा स्टेबल होता है 1 से, उसमें भी 6 अल्फा है, और उसका रीजन पर ने लिखा था कि जब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो सारे के सारे एनाइन 1 डिग्री बनते हैं, इसमें सारे के सारे एनाइन 2 डिग्री बनते हैं, 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए उसमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, रीजन आप देखना लिखा हुआ था क्लास में। 18th वाला, ये तो 17th वाला ही बता दिया ना मैंने, चलो ठीक है 17th भी बता दिया, अब मैं 18th वाले की बात करता हूं। एटींथ वाले में ये कह रहा था इन दिस मॉलिक्यूल द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, उसमें क्या अपन को ऐसे बनाया आपने, ये बना के दिया आपने और 2 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लिखे, इसमें आपने नंबरिंग भी की 1 2 3 4, अब नंबरिंग के हिसाब से अपन कहेंगे भाई देख अगर इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो ये रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर आ गया, तो एक बार 2 पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इसको अगर इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 पे आ जाएगा, तो 4 पे भी नेगेटिव चार्ज बन सकता है, ये बन गया। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, एक तो 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, तो उसके में बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा C2 और C2 पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पे है अपन उसी से बता देंगे, 2 पे और 4 पे। 24th वाला चेक कर लेते हैं, 24th वाले में अपन को गिवन है भाई मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताना है इसमें, हाँ तो ठीक है ना, ए वाले में तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, बी और सी में चेक करते हैं क्योंकि बी में मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूँ, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल है और सी में भी ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल है,
अगर इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा तो ये बनेगा, और इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा तो ये बनेगा। ऑक्टेट तो दोनों में ही कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो सी आंसर हो गया मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। हो गया। अब 25 की बात करते हैं। 25th वाले में अपन चेक करेंगे इसमें अपन को एक गिवन है, ऐसे तीन रिंग्स गिवन है। और इन तीन रिंग में अपन को पता है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी गिवन है, इधर ए वाले की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, तो बी वाले में वही पॉजिटिव चार्ज तो बनाया है आपने, बी वाले में आपने पॉजिटिव चार्ज तो बनाया है, और इसमें बॉन्ड के पोजीशन ऐसे बताया आपने। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अल्टरनेट एटम पर डीलोकलाइज होता है। देख भाई, इसमें ना ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, इधर भी डीलोकलाइज होगा, इस पे आएगा तो इसके अंदर भी जाएगा, और इस पे आएगा तो इसके अंदर भी जाएगा, मतलब तीनों रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है। तो कितने बॉन्ड हो गए डीलोकलाइजेशन के लिए, 3+3+2, 8 पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। मतलब इसमें सारे बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं यहां डीलोकलाइज करता हूं ना तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, और इसको डीलोकलाइज करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कभी नहीं आ सकता, मतलब ये तीन बॉन्ड कभी कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकते इस पॉजिटिव चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन बॉन्ड के साथ तभी जा सकता है वो इस कार्बन पे बने तो, और उस पर कभी बन नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अल्टरनेट एटम पे डीलोकलाइज होता है, तो इधर तो कभी आएगा ही नहीं। अगर यहाँ कभी नहीं आएगा तो इस रिंग में कभी डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा ये दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। तो यहां पर 5 पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड। सो लेट्स टेक, अब उसमें सारे ही बॉन्ड डीलोकलाइज हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा स्टेबल कोई बन भी नहीं पाएगा। ये शायद मैंने सी बना दिया था, पता ये सी बना दिया था, अभी बना लो। बी वाले में अपन को ऐसे दिया, एक रिंग ऐसा, अब आप अपने आप ही बना लेना, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको अपने आप बना। ये पाई बॉन्ड कभी राइट वाले रिंग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहां से यहां डीलोकलाइज होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये भी डीलोकलाइज होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पे नहीं आ पाएगा। पांच पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, विल गेट लाइक दिस। अपन ने रीअरेंजमेंट पढ़ना है, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, है ना, समझ में आया ना कैसे करना अपन को डीलोकलाइजेशन। अब पार्ट टू का बता दो पूरा जल्दी से, जो भी क्वेश्चन है। एक साइज टू पार्ट टू, पार्ट टू के जो भी क्वेश्चन है आप बता दें। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले
पार्ट टू में 6, 11, 8 का जी नाइन भी पूछा। चलो भाई ठीक है, एट का के सेकंड का सेकंड, थ्री का एट, एट के सिक्स डी बता दूंगा। चलो सिक्स का ई डी है और एट का के है, फाइव का सेवन है और टू भी है। हाँ टू वाला तो कर ही रहे हैं। चलो शुरू करता हूं, टू का सेकंड, टू वाले में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस। पहले वाले में बीच में sp3 है, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन होगा क्योंकि बीच में sp3 नहीं है, इसलिए इसमें तो है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में है, फिफ्थ वाले में बीच में sp3 है, सिक्स्थ वाले में उसमें रेजोनेंस फॉर्मूला होगा, तो बैकबॉन्डिंग जैसे हो जाएगा एमटी ऑर्बिटल और ये। सेवंथ वाले में है, एट्थ वाले में लोन पेयर है ना सल्फर के पास, बाकी सब में है, बाकी सेकंड लास्ट में नहीं होगा। सेकंड लास्ट में एक्चुअली देर इज sp3 बिटवीन सीएल एंड डबल बॉन्ड वाला कार्बन ना, लास्ट वाले में तो हो गई क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर टू था। थ्री का सेवन था, नहीं हाँ थ्री का एट था। थ्री के एट्थ वाले में अपन को गिवन है, थ्री का एट्थ वाला उसमें बताना गया है प्लस एम इफेक्ट बेंजीन रिंग। हाँ तो लोन पेयर देख लो ना, बाकी सब क्या देखना अपन को, नहीं होगा प्लस एम, क्या होगा प्लस आई होगा भाई। अगर इस सेटअप पे लोन पेयर है तो ही प्लस एम होगा, इसमें एम तो नहीं है, प्लस एम तो नहीं है, प्लस एम क्या माइनस एम भी नहीं है उसमें, तो एम है ही नहीं, लोन पेयर तो हो या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नहीं फाइव का एट, फाइव के एट वाले में अपन को गिवन है क्या पूछे थे इसने, तो फॉलोइंग केसेस द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, नहीं ये तो क्लास में डिस्कस किया है अपन ने। फिफ्थ का एट वाला भाई जो नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को हटा के बनाया अपने नेगेटिव चार्ज, और वो जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था वो तो बेंजीन रिंग के प्लेन में था, मतलब जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो हाइड्रोजन रिंग के बेंजीन रिंग के प्लेन में बनेगा, इन प्लेन ऑफ बेंजीन। एंड पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेंजीन, परपेंडिकुलर टू बेंजीन होगा फिफ्थ वाला। सिक्स का डीई अभी बता देता हूं भाई, सिक्स का डीई अब रुको अपने यहां से बंद कर लिया मैंने। सिक्स का डी
क्या पूछो, फॉलोइंग द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ए भगवान, बी वाले में तो नेगेटिव चार्ज में थोड़ी होता कभी, हाइपर कंजुगेशन तो नेगेटिव चार्ज में होता ही नहीं ना, पॉजिटिव चार्ज में होता है, रेडिकल में होता है, नेगेटिव चार्ज में थोड़ी कभी होता है। ई वाले में, ई वाले में मैंने आपसे कहा था कि ब्रिज हेड पे हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं, इसमें ही पॉसिबल। ऑन ब्रिज हेड उसमें भी नहीं है, तो डी बता दिए मैंने। रेडिकल में होगा, मतलब फर्स्ट वाले में भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ए वाले में, ए वाले में कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन, वहां तो अपन को ऐसे गिवन है, वहां तो sp3 अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, ना इधर ना कहीं, इसमें भी नहीं। तो वी नो दैट हाउ टू राइट द हाइपर कंजुगेशन, ना सेवेंथ वाले का कुछ है नहीं, एट्थ वाले का जी, एट्थ के ई एफ जी वाला क्या बताना है इसमें, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए 4N चाहिए, उसमें तो 4N है ही नहीं, इट्स एरोमेटिक, फॉर एंटी एरोमेटिक वी रिक्वायर 4N ना, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। एट्थ का जी, एट्थ का के भी पूछा है, एट्थ का के है कहाँ, दूसरे पेज पे होगा, के वाला ना सर, एक बार जी वापस बताना, जी तो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक लिखा हुआ उसमें, ये कौन सा एंटी एरोमेटिक है बताओ, तो 6π इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 4n plus 2π को फॉलो कर रहा है, कल थ्रू इट विल बी एरोमेटिक। ओके सर, बेंजीन इज कॉल्ड 6-aniline, ये जो नंबर होता है वो पाई बॉन्ड्स होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो जो अपन को गिवन है ना वो ऐसे गिवन है, वैसे अपना सिलेबस में नहीं है इतना बड़ा कंपाउंड, पहले तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखूंगा इसमें कितने हैं, तो 18 है तो 4n plus 2 को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, ये ऑल्टरनेट। अब 18 एनिलीन में क्या होगा, इसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से उनमें अट्रैक्शन होता है, तो पूरा मॉलिक्यूल इन अट्रैक्शन की वजह से एक ही प्लेन में रहता है, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। सो वंडरफुल अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, बिटवीन हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो ये एरोमेटिक हो जाए। सो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, ये सिक्स मेंबर बन बना रहेंगे, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, जब भी ऐसे सिक्स मेंबर रिंग टाइप बनता है ना कहीं, तो मॉलिक्यूल easily हो जाएगा, that is a feasible reaction, फिर उसको अपन कर ही देते हैं, वो reaction हो जाएगा, a feasible reaction, इसलिए कर लेंगे अपन reaction। 8 के बाद 9 है, 9th वाले में अपन को given है, find the number of carbon atom,
इंक्लूडिंग द गिवन कंपाउंड विच कैन हैव नेगेटिव चार्ज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बना दूं, फिर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज चेक कर लेते हैं. पहले अपने पास ऐसे की बने हैं. बॉन्ड के पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा. इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें सी एच है, और इस तरफ अपन को गिवन है सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच. ठीक है, चल डीलोकलाइजेशन चेक करते हैं. एक तो यही हो गया, इधर लेके आऊंगा तो इसको इधर लेके जाऊंगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाएगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है. तो एक ये हो गया, एक ये हो गया. इधर से इधर लेके गया तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, तो तीन हो गए. इसको इधर लाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे भी आएगा, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए. ले भाई छह आ रहे हैं. ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थोड़ी है, वो तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे. अगर ये पीएक्स से बनाओगे तो ये पीवाई से बनेगा. देयर नॉट परपेंडिकुलर, देयर दीस टू पाई बॉन्ड्स ना, तो कॉन्जुगेशन में थोड़ी होंगे, दे आर परपेंडिकुलर. एक ही बॉन्ड दोनों में से कॉन्जुगेशन में जा सकता है बस. नाइन्थ वाला कोई डाउट है तो बोले. एक्सरसाइज थ्री में बता दो. एक्सरसाइज थ्री, एक्सरसाइज थ्री पे चलता है. एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू करते हैं. एक्सरसाइज थ्री के पार्ट टू में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारे लिए. एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू है, तो पार्ट टू का एट. फाइव है, एट है, पार्ट टू का सिक्स है, सिक्स और एट. और फाइव भी पूछा. ठीक है, तो पहले फाइव ही चेक कर लेता. पार्ट टू मेन का ऑनलाइन ना, ऑनलाइन वाला प्रॉब्लम्स. बिल्कुल, तो ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम में अब एट कहां से आ गया? एट तो है ही नहीं मेरे में. इसमें मेरे इसमें तो सिक्स तक ही है ऑनलाइन. कुछ और भी है क्या उसमें? नहीं सर, सॉरी सर, वो पार्ट वन का था, गलती से लिख दिया. अच्छा, वही मैं सोच रहा यार, मेरे इसमें तो है ही नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. चलो ठीक है, तो अपन एड वाला हटा देंगे. ठीक है, तो इसमें फाइव और सिक्स हो गया. तो फाइव वाले में था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट. पार्ट टू तो नाइन तक है. क्वेश्चंस लास्ट वाला क्वेश्चन तो हमारे इसमें बस ये है, CCL बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट. मेरे इसमें और तीन है क्वेश्चंस. हाँ तो भेज देना, तो भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देख भाई, इसमें पूछो कंपाउंड विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद दिस. तो देख ये तो बना ही देगा, ए वाला वन वाला बनाएगा प्रेसिपिटेट एजीएनओ3 के साथ. ये बनाएगा क्योंकि बीआर ब्रेक होगा इसे. दूसरा वाला चेक करते हैं. दूसरे वाले में अपन को ऐसे गिवन है,
इधर भी बी आर गिवन है, इसको भी एजी में 3 से रिएक्ट करूंगा, ये भी रिएक्शन करेगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 डिग्री कार्बोकटेन बनेगा और इसमें एरोमेटिक बनेगा, तो ये वाला फास्टेस्ट हो जाएगा। अगर वन ऑप्शन करेक्ट है तो ये वाला ज्यादा करेक्ट आंसर है। 3 वाले में तो बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा, 3 वाले में तो बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा, वो क्यों? क्योंकि ये तो पार्शियली डबल बॉन्ड है, और पार्शियली डबल बॉन्ड है तो ब्रेक कैसे होगा? ये वाला, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो AgNO3 के साथ नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन। लास्ट वाले में भी पार्शियल डबल बॉन्ड है ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड है ना ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, इसमें भी BR है। अगर बेंजीन रिंग से कोई भी ऐसा एटम अटैच हो ना जिसके पास लोन पेयर है तो उसका बॉन्ड अपन ब्रेक नहीं करेंगे, ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करेंगे। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड तो इसका भी AgNO3 से रिएक्शन नहीं होगा। सिक्स्थ वाले की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, चलो कर लेते हैं भाई। देख फर्स्ट वाले में मुझे ऐसे गिवन Cl है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और N डबल बॉन्ड O और ये लिखा, मुझे तो लगता है यही सबसे छोटा है। देखना ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब Cl बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH है, डबल बॉन्ड है, N है, वो नेगेटिव हो जाएगा और इधर कॉन्वेंट बॉन्ड हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है और इसका माइनस का इफेक्ट भी है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा टाइम के लिए इस तरह विड्रॉ होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम के लिए इसमें डबल बॉन्ड होगा। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे वाले में तो कॉन्जुगेशन तो है लेकिन इसमें +3 है, तो अगर अपन बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेंगे ना इस पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका प्लस आई इफेक्ट उस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। कॉन्जुगेशन तो इसमें है भाई, कॉन्जुगेशन तो इसमें भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल था, ये डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसमें डबल बॉन्ड तो बनेगा लेकिन कम टाइम के लिए, क्योंकि जैसे ही अनस्टेबल होगा तो ये वापस आ जाएगा, वापस आएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम के, नेग्लिजिबल टाइम के लिए बन रहा है ना डबल बॉन्ड, इसमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज सिंगल बॉन्ड। थर्ड की बात कर लेते हैं, अब थर्ड वाला कम से कम इससे तो ज्यादा ही होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्जुगेशन है ना उससे कोई डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहा नेगेटिव चार्ज को, भाई इसमें तो इसका प्लस इफेक्ट इसको डिस्टेबलाइज कर रहा था, इधर कम से कम डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा, मतलब 3 इज मोर स्टेबल देन 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 3। चल 4 की भी बात कर लेते हैं, 4 वाले में Cl है, CH है, डबल बॉन्ड CH, OCH3 है अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई इसमें भी लोन पेयर है, अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अपन कहेंगे देखो आपने साफ साफ मुझसे कहा है कि हम कभी भी नेगेटिव चार्ज ऐसे एटम पे नहीं बना सकते जिसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर हो, हम कभी भी नेगेटिव चार्ज ऐसी जगह नहीं बना सकते जिसमें एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर हो, अगर ये नहीं बना सकते तो इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आएगा, तो फिर इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें डिलोकलाइज करना ही मुश्किल है। अपन ने ये क्या लिखा था, बॉन्ड लेंथ, अपन ने क्या लिखा था, अपन इसको मतलब अच्छा ऑप्शन लिख रहे थे अपन, स्टेबिलिटी अपन बॉन्ड लेंथ कहेंगे, सबसे बड़ा CCl बॉन्ड लेंथ है, सबसे बड़ा तो 4 होगा क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं ना, ये लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है तो ऐसे ज्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में, और सबसे छोटा
नहीं इधर थ्री था ना, फिर टू है, फिर वन है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बॉन्ड लेंथ में ना, मुझे फोर तो सबसे बड़ा होगा ये पता है मुझे, क्योंकि वो ऐसे ओवरलाइटिंग किया ना तो ऐसा ना गड़बड़ हो जाए कि ये अनस्टेबल है इससे, मतलब ये तो थोड़ा बन जाएगा उसके कंपैरिजन में, ये है। हाँ जी बोलो, अब क्या बात है? आंसर तो वन दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा अपन ने? हाँ समझा, वही तो आया अब। हाँ समझा, हो गया। तो फोर्थ वाले में अपन ने नेगेटिव चार्ज इधर से इधर लेके आए थे, तो अगर एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है किसी नेगेटिव चार्ज में तो वो अनस्टेबल होगा, इनमें रिपल्शन होगा ना, इसका लोन पेयर और इसका नेगेटिव चार्ज रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो कंस्टेबल। अब पार्ट वन बचा हुआ है, पार्ट वन भी अब तुम लोग पार्ट वन सॉल्व कर लेना, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा बाद में, अब आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर मैं डाउट्स क्लास बताता हूँ आपको, बट नेक्स्ट क्लास में सुबह अपन पढ़ेंगे फिर थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद डाउट्स करेंगे, और अगर क्लास में नहीं कर पाए डाउट्स तो अपन किसी और टाइम को डिसाइड कर लेंगे, उसमें डाउट कर लेंगे, ठीक है? नहीं, नहीं, तो ये... अरे बाप, कौन है भाई, तुम लोग झगड़ रहे हो, क्लास अटेंड कर लो, चलो।